राज्य सरकार से भी है, केंद्र सरकार से भी है। नरेगा योजना अंतर्गत जो NMMF का है उसको हमने सेक्रेटरी मैम ने लिखा है, भारत सरकार के सेक्रेटरी जी को, और पूरा प्रदेश में ज्ञापन किया था प्रदेश में। अभी जो NMMF बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, टावर भी नहीं है और जहाँ पे बॉर्डर है तो वहाँ आर्मी भी नहीं जाने देती है। तो वहाँ जो पहले 19 लोग थे उसको अभी उन्होंने उसको भी कर दिया कि भाई लेबर है वो फोटो लेगी, उसमें ये भी है। और बाकी सारी जो मांगे हैं हमारी प्रॉब्लम यहाँ की लोकल भी खूब सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर जो जिले स्तर पे है उसको आप थोड़ा ठीक करवाएं, और जो प्रदेश पे है तो प्रदेश के लिए आप भिजवा दीजिए, और केंद्र पे है तो केंद्र के लिए भिजवा दीजिए। और पशु शिविर के लिए जो पेमेंट वाला है वो हमारे SGM साहब, फतेहगढ़ साहब, बाकी लोग भी परेशानी कर रहे हैं क्योंकि हम बिल तो फीड करवा चुके हैं 5 महीने पहले। अब उसके लिए उसके लिए वापिस लेटर जारी कर रहे हैं कि ये नॉर्म्स नहीं था, तो नॉर्म्स पहले हम लोगों को बता देते तो हम उस हिसाब से आपको बिल सबमिट करवाते, तो वो भी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है क्योंकि बिल है वो लगभग 1 ग्राम पंचायत के 30 से 40 लाख रुपए हैं, क्योंकि सारे लोग कोई इतने आर्थिक इतने मजबूत नहीं है, लोग ब्याज से इंटरेस्ट से लाके पशु शिविर गायों के लिए चारा लगाया था, लेकिन वो बड़ी समस्या आई हम लोगों की। एक इसमें राज्य वित्त आयोग की जो किस्त है उसके लिए भी है, एक 15वां वित्त की किस्त है जो राजस्थान सरकार के पास है, उसको थोड़े दिन क्या स्टेट सरकार रोक के उसके बाद में आगे भेज दी। हमने प्रदेश स्तर पर सारी चीज़ें दी और बाकी सारी चीज़ें हैं जो ये है, खासकर जिले वाली जो है ना, एक तो पशु शिविर पेमेंट, दूसरा नरेगा कुछ की हो जाती है कुछ की होती नहीं है, तो लोगों को लगता है कि सेक्शन प्रॉब्लम हमारे साथ ही होगा, बाकी के निकल गए सारे। मैम सारे आप हिंदुस्तान की टॉपर रही हो, बागे से आज जिला कलेक्टर महोदय हो, सीओ बनवा के हमारे सीओ साहब भी बहुत परेशान रह गए, एक तो सीओ साहब आजकल वो लॉटरी सिस्टम